नमस्ते। आज हम सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। हर कार्य करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होती है। इंसानों को उनकी ऊर्जा मिलती है खाना खाने से। मशीनों के लिए ऊर्जा के लिए हम कई तरह के ईंधनों का प्रयोग करते हैं और बिजली बनाने में भी कई तरह के ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। और क्योंकि ये हमारे जीवन के इतने जरूरी भाग है कि इनके बारे में पढ़ना आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि ऊर्जा का अच्छा स्रोत किसे कहा जा सकता है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत उसे कहा सकता है जो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक से अधिक कार्य करे, यानी अधिक से अधिक ऊर्जा दे। दूसरा, जो सरलता से प्राप्त हो सके। कई ऐसे ईंधन है जो जमीन में काफी नीचे प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें निकालना इतना मुश्किल होता है कि इन्हें अच्छा स्रोत नहीं कहा जा सकता। तीसरी बात, अच्छे स्रोतों को जमा करके रखने और इधर से उधर ले जाने में भी सरलता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि यह स्रोत सस्ते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हर तरह के मनुष्यों को करना है, तो दाम का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। इस चित्र में दर्शाया गया है कि बिजली कैसे बनाई जाती है, एक थर्मल पावर प्लांट। इसके बारे में आप कुछ पुराने पाठों में पढ़ चुके हैं। स्टीम यानी भाप बनाया जाता है जो टरबाइन को घुमाता है। यह टरबाइन एक पावर जनरेटर से जुड़ा हुआ है, जनरेटर जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। जनरेटर में स्थित यह शाफ्ट घूमने लगता है और इसी शाफ्ट के घूमने के कारण बिजली बनती है, जिससे पंखे चलते हैं, लाइट जलती है और अन्य चीजें भी चलती हैं। अब हम जानेंगे फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्मी ईंधन के बारे में। यह ईंधन आज से करोड़ों वर्ष पहले बने थे, जब मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर जमीन के नीचे दब जाते थे। जमीन के नीचे स्थित गर्मी और उच्च दबाव के कारण यह ईंधन में तब्दील हो जाते हैं और इसी कारण से इनका भंडार सीमित है। जीवाश्मी ईंधन के कुछ उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इनका प्रयोग गाड़ियां चलाने और बिजली बनाने जैसे कार्यों में किया जाता है। इस चित्र में दिखाया गया है कि भारत में किस तरह के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया जा सकता है। सबसे ज्यादा उपयोग कोयला और पेट्रोलियम का ही किया जाता है। उसके बाद आता है जल का उपयोग, और फिर परमाणु ऊर्जा और फिर पवन ऊर्जा। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली बनती है। जब किसी टरबाइन पर भाप छोड़ा जाता है तो डायनामो के अंदर स्थित शाफ्ट घूमने लगता है और इस शाफ्ट के घूमने से ही बिजली बनती है। तो इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तापीय विद्युत संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांटों में। जीवाश्मी ईंधनों को जलाकर बहुत ऊष्मा निकलती है। इस ऊष्मा के द्वारा पानी के भाप बनाया जाता है और यही डायनामो के शाफ्ट को घुमाकर बिजली बनाता है। कोयले के लाने ले जाने के जगह बिजली का परिवहन ज्यादा सस्ता है। इस संयंत्र का एक ही घाट कई घाटे हैं। एक तो यह कि यह ईंधन सीमित है, यानी ये कभी ना कभी खत्म है। और यह भी कि यह प्रदूषक है। हमने पढ़ा है कि कोयला या कोई भी ईंधन जलाने से बहुत धुआं निकलता है और यही धुआं आसपास के परिवर्तन में प्रदूषण फैलाता है। अब हम पढ़ेंगे जल विद्युत संयंत्र यानी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट में उसी भाप का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट में सीधे गिरते हुए पानी का प्रयोग किया जा सकता है। नदियों पे बांध बनाकर पानी को रोका जा सकता है। हम जानते हैं कि पानी सदा ऊंचे स्तर से नीचे स्तर पे जाता है, तो जब पानी को ऊपर से छोड़ा जाता है तो वह एक टर्बाइन से पास करता है। पानी इस टरबाइन को घुमाता है जिससे बिजली बनती है। भारत के कुछ विख्यात बांध है, नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध, सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल बांध और गंगा पर स्थित टिहरी बांध। यह बिजली बनाने का काफी अच्छा तरीका है और इसका प्रयोग हमारे देश में भी कई जगह किया जा रहा है। इसमें बस एक ही चीज सही है कि पहाड़ के बीच एक तेज बहती नदी खोदनी है और जो लोग विस्थापित होते हैं इसके आसपास, इसे कम से कम रखना होता है।
बायोमास एक ऐसी ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग हमारे गांव में कई तरह से किया जा सकता है। लकड़ी को कम ऑक्सीजन में जलाने से चारकोल बनता है जो काफी बढ़िया ईंधन होता है। ठीक उसी तरह गोबर, फसल के कटे हुए अवशिष्ट, बेकार सब्जियों को अगर कम ऑक्सीजन में रखा जाए तो कीटाणु इन पर प्रतिक्रिया करते हैं और बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होता है और यह काफी बढ़िया जलावट होता है। तो इसके प्रयोग से, बायोमास के प्रयोग से फेंकने वाली चीजों का द्वारा ईंधन बनाया जा सकता है और साथ ही साथ मीथेन गैस निकलने पर जो नीचे बच जाता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं खेतों में खाद के रूप में। तो यह एक ऐसा ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग हमारे गांव में बहुत बढ़िया से हो सकता है और कई गांव में ऐसा हो भी रहा है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। पवन चक्कियों की मदद से सदियों से हवा की गति जुड़ जाए, क्योंकि हवा तो चल रही है, उड़ रही है, तो कुओं से पानी निकाला जाता है। आज इन पवन चक्कियों को डायनेमो से जोड़ दिया जाता है और इससे बिजली बनाई जा सकती है। भारत में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा कन्याकुमारी में बनाई जाती है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए कुछ ऐसे पंखों का उपयोग किया जाता है। एक पंखा इतनी ऊर्जा नहीं बना सकता जिससे कई घरों में लाइट दी जा सके, तो इसलिए कई ऐसे पंखों को एक साथ करके रखना पड़ता है। अब हम ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों के बारे में बताएं। वह सबसे पहले आता है सौर ऊर्जा। सूरज पृथ्वी की तरफ जो गर्मी भेजता है उसका कई जगह उपयोग किया जा सकता है। एक उदाहरण है सौर कुकर जिसका उपयोग कई गांव में किया जाता है। हम जानते हैं कि काला रंग सबसे ज्यादा धूप अपने अंदर सोखता है, तो एक डब्बे को हम पूरे तरह से काले रंग से पेंट कर देते हैं और एक शीशा लगा देते हैं। अगर डब्बे में हम कोई भी खाने वाला पदार्थ जैसे चावल अगर रखते हैं तो धूप से आने वाली सारी ऊर्जा इस शीशे पर टकराकर सीधे खाने पर पड़ेगी, जिससे खाना अपने आप पक जाएगा। सौर सेल जो मुख्यतः सिलिकॉन से बनते हैं, इनका द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा सकती है और कई सौर सेल मिलाकर सौर पैनल बनाए जाते हैं। सौर पैनल कुछ इस प्रकार दिखते हैं। इसमें हर एक एक टुकड़ा एक सौर सेल है। सौर सेल में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो धूप की ऊर्जा लेते ही उसे बिजली में परिवर्तित कर देते हैं। सौर सेलों का प्रयोग कई डिजिटल वॉचों में आजकल किया जाता है और कैलकुलेटर में तो इसका प्रयोग कई सालों से किया जा रहा है। अब हम समुद्र की ऊर्जा के बारे में जानेंगे जो एक और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। एक उदाहरण ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र के स्तर को अगर हम देखते हैं तो कम ज्यादा होती रहती है, इसे ज्वार भाटा कहा जाता है। समुद्र के किनारे किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध बनाकर उसमें टरबाइन लगाकर उपयोग किया जा सकता है। तो जब समुद्र किनारे हाई टाइड होगा तो सारा पानी बाहर से अंदर तरफ आएगा जिससे टरबाइन घूमने लगेगा और बिजली बनेगी। जब लो टाइड होगा तो सारा पानी किनारे से समुद्र तरफ जाएगा जिससे और टरबाइन घूमेगा और बिजली बनेगी। इसका सबसे पहले प्रयोग फ्रांस में किया गया था और गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में इस पर काम किया जा रहा है। तरंग ऊर्जा भी ऊर्जा है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। समुद्र में जो तेज लहरें होती हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कई यंत्र भी बनाए गए हैं परंतु इसका प्रयोग अभी काफी जोर शोर से नहीं हो रहा है। भूतापीय ऊर्जा भी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वो वैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण कई बार पृथ्वी के गर्भ में स्थित गले हुए पत्थर ऊपर आ जाते हैं या भूमिगत पानी को गर्म कर उसे भाप बना देते हैं। इसके उपयोग से टरबाइन चलाए जा सकते हैं। यह भाप हमें कई गर्म पानी के कुंडों में देखी जा सकती है जो भारत में कई जगह मिलते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग न्यूजीलैंड और अमेरिका में कई जगह किया जाता है। इस ऊर्जा का एक ही घाटा है कि ऐसे स्थान खोजना जहां यह गर्मी निकल रही है प्राप्त करना ही बहुत मुश्किल।
अब हम बात करेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में, जो आजकल वाद विवाद का एक बहुत ही बड़ा चर्चा है। परमाणु विखंडन में भारी परमाणु जैसे यूरेनियम प्लूटोनियम पर कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, इससे हल्के परमाणु बनते हैं और इस प्रतिक्रिया में बहुत ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा चारकोल को जलाने से निकलने वाली ऊर्जा से 1 करोड़ गुना ज्यादा है। इस प्रतिक्रिया से पानी को भाप बनाया जा सकता है जिसके द्वारा टर्बाइन घुमाए जा सकते हैं। परमाणु विखंडन में कई हानिकारक कण निकलते हैं जिन्हें बाहर निकलना जरूरी होता है। यह कण इतने हानिकारक होते हैं कि एक बार में ज्यादा ईंधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर यह कण मनुष्य के शरीर में घुस जाते तो कई स्वास्थ्य समस्या पैदा कर देते। इसी कारण से परमाणु ऊर्जा के अपशिष्ट को ठीक से फेंकना जरूरी हो जाता है और प्रयोग करते समय भी इन्हें ठीक से रखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसी कारण परमाणु ऊर्जा के पावर प्लांटों में सेफ्टी पर बहुत ध्यान दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि सभी नियम माने जा रहे हैं और कहीं भी किसी हानिकारक कोई हानिकारक कण बाहर नहीं निकलता। इसी कारण से इस ऊर्जा को पैदा करना बहुत ही महंगा पड़ जाता है और जिसके कारण कई लोग इसके ऊपर वाद विवाद करते हैं। यह भी जानना जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा वही ऊर्जा है जिसके द्वारा कई तरह के बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, परंतु अगर इस विज्ञान का प्रयोग अगर ऊर्जा बनाने में की जाए तो इस पे सवाल उठाना सही नहीं है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा ऊर्जा का स्रोतों वाला सफर खत्म हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप इन स्रोतों के बारे में सोचें और ध्यान दें कि यही वह स्रोत है जो आपके जीवन में इतनी खुशियां लाने की ताकत रख सकते हैं। यही है जो आप बिजली देती है जिससे हम पंखे चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, कंप्यूटर जला सकते हैं, कई चीजें जान सकते हैं। तो आपको सदा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी बिजली बर्बाद ना जाए।